Masha's Spooky Stories. तो आप में से कोई कीड़ों से डरता है? कौन मकड़ी को देखकर कांपने लगता है? कौन ड्रैगनफ्लाई देखकर भाग जाता है? अब मैं आपको एक डरावना किस्सा सुनाऊंगी, जो हुआ था एन्यूटा नाम की लड़की के साथ। अब ध्यान से सुनना और कांपना। एन्यूटा को डर लगता था सभी तरह के कीड़ों से। जब उसने एक पतंगा देखा, वो फौरन जाकर टेबल के नीचे छिप गई। अरे बाप रे! जब उसने एक चींटी देखी, वो एक पेड़ पर जा चढ़ी। अरे बाप रे! एक दिन जब उसका छोटा भाई वॉफ्का बाहर खेलने गया, तो एन्यूटा की मम्मी ने घर की सफाई में उसकी मदद मांगी। एन्यूटा, जाकर अलमारी से वैक्यूम क्लीनर ले आओ और हॉल का कारपेट साफ कर दो। पर एन्यूटा अलमारी के पास नहीं जा सकती थी। वहाँ पर एक मकड़ी थी जो अपना जाल बुनने में लगी थी। एन्यूटा ने धीरे से दरवाजा खोला। डर उसकी नस नस में दौड़ रहा था। अलमारी में अंधेरा ही अंधेरा था। सावधान, वो भला अंदर से वैक्यूम कैसे निकाल सकती थी? मैं मकड़ी के जाल में नहीं फंसना चाहती। मैं वैक्यूम को छूकर उसे बाहर निकाल लूंगी। एन्यूटा ने धीरे से अलमारी का दरवाजा थोड़ा और खोला, ताकि वो मकड़ी उसे देख ना पाए। और बिना देखे ही वो अंदर की सभी चीजें बाहर निकालने लगी। पहले उसने निकाली अपने डैड की स्की, फिर बाहर निकाला एक ग्लोब, और फिर उसके हाथ में आया एक इलेक्ट्रिक तार, और उसने उसे बाहर खींचा। और अलमारी से वैक्यूम क्लीनर बाहर निकलने के बजाय एक टूटी हुई लैंप, एक आयरनिंग बोर्ड और बिना आगे के पहिए वाली एक साइकिल उस पर आ गिरी। ओह, उसकी मॉम ने कहा, लगता है हमारी अलमारी में छिपा हुआ खजाना है, पर वैक्यूम क्लीनर नहीं है। चलो तुम किचन में जाकर कचरा बाहर फेंकाओ। ओह प्लीज, मुझे कचरा नहीं निकालना है। वहाँ एक कॉकरोच है, वो डरावना है और उसके बड़े बड़े दांत है। वो तो मुझे एक ही पल में खा जाएगा, फिर अपने पेट पर हाथ फेरेगा और खुशी से डकार लेगा। अपने अंदर की पूरी हिम्मत जुटाकर एन्यूटा ने ये करने का फैसला किया। मैं जल्दी से कचरा उठाकर वहाँ से भाग जाऊंगी, फिर वो कॉकरोच मुझे नहीं खा पाएगा। एन्यूटा कचरे की बाल्टी उठाकर दरवाजे की ओर भागी और अपने पीछे छोड़ती चली गई कचरे की कतार। स्टूल पर, कुर्सी पर और टेबल पर भी बाल्टी का कचरा किचन में हर तरफ फैलने लगा। चलो ठीक है, उसकी मॉम ने कहा, अगर तुम कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहती तो बालकनी में जाओ और फूलों को पानी दो। बालकनी? ये नाम सुनकर ही रोना आता है। वहाँ रहता है एक बड़ा बटरफ्लाई। वो तो मकड़ी और कॉकरोच से भी ज्यादा डरावना होता है, और चूंकि वो उड़ सकता है, वो मुझ पर ऊपर से हमला करेगा, लेफ्ट से फिर राइट से, और मैं उसे जीत ही नहीं पाऊंगी। ठीक है, फूलों के पास जाती हूँ बिना कोई आवाज किए। जरूरत पड़ी तो लड़ लूंगी उस वॉटरिंग कैन से। एन्यूटा ने फूलों को पानी देना शुरू किया और डरावने बटरफ्लाई ने अपने बड़े पंख फड़फड़ाने शुरू किए। एन्यूटा बालकनी के एक कोने में गई और वहाँ उसे दो गमले गिर गए। फिर वो दूसरे कोने में भागी और वहाँ वॉटरिंग कैन गिरा दिया। वो भागकर घर में आई और टेबल के नीचे छिप गई। बालकनी पर हर तरफ पानी और मिट्टी फैल गई थी। घर में चारों तरफ अलमारी की चीजें और कचरा फैला हुआ था। न जाने इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है? कौन, वो बटरफ्लाई, वो कॉकरोच या मकड़ी? उसकी मॉम ने गहरी सांस ली और फिर बालकनी साफ की। उन्होंने बिखरा हुआ कचरा जमा किया और कारपेट को वैक्यूम किया। तभी एन्यूटा का छोटा भाई वॉफ्का घर आया और सीधे उसके पास चला गया। देखो मैं कितना प्यारा लेडी बग लाया हूँ, क्या तुम इसे छूना चाहती हो? तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा? एन्यूटा ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं, डरूंगा तो चीजें कैसे सीखूंगा? देखो ये कितना छोटा है, और जरा मुझे देखो, मैं बड़ा और ताकतवर हूँ, उसके छोटे भाई ने कहा। और फिर एन्यूटा समझ गई। रेंगने वाले और डरावने दिखने वाले बाकी कीड़े सिर्फ दिखने में खतरनाक होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक्चुअली वो तो एक सेफ्टी पिन से भी छोटे होते हैं।
हम उनसे हजार गुना बड़े होते हैं तो फिर उनसे डरना क्यों?